तो दोस्तों मैं आता हूं डायरेक्ट पॉइंट पे, जहां पर हम बात करेंगे वीवो के Y15 के यहां पर अपकमिंग यहां पर अपग्रेड के बारे में, और साथ ही साथ जितने भी आपके दिमाग में यहां पर सवाल चल रहे हैं उन सवालों के मैं आपको यहां पर जवाब देने वाला हूं। सो थैंक्स टू यहां पर पायल, जिनकी वजह से मैं यहां पर ये वाला वीडियो बना पा रहा हूं। तो मैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपके साथ एक पर्सनल स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है और ये वाली जो स्टोरी है आपको ज़रूर से सुननी चाहिए। तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था। तो उसका यहाँ पर रीज़न था क्योंकि मेरे दिमाग में यहाँ पर सवाल था, हाउ टू ट्रैक समवन लोकेशन थ्रू द इंस्टाग्राम। इसका मतलब है कि यहाँ पर किसी की भी लोकेशन को यहाँ पर इंस्टाग्राम के जरिए कैसे यहाँ पर पता किया जा सकता है। तो इसका यहाँ पर जो जवाब था वो तो मुझे मिल गया है, और साथ ही साथ मुझे एक और चीज़ पता चली जो कि यहाँ पर इंस्टाग्राम के यहाँ पर डार्क साइड्स के बारे में। तो रिसेंटली हुआ क्या था कि मैंने यहाँ पर अपनी टेम्परेरी आईडी यहाँ पर क्रिएट की कुछ दिनों से पहले। तो बेसिकली देखा रहा तो ये वाली जो आईडी थी मेरे यहाँ पर बहुत पुरानी थी, पर मैंने इसके यहाँ पर लॉगिन वगैरह कुछ मैं नहीं करता था, ना ही इस पर यहाँ पर कोई पोस्ट वगैरह डालता था। तो फिलहाल मैंने उस आईडी को मैंने दोबारा से एक्टिव किया। तो उसके बाद मैंने जैसे ही इस आईडी को यहाँ पर ओपन किया तो मैंने यहाँ पर कुछ यूजर्स थे उनको मैंने यहाँ पर फॉलो कर लिया था, क्योंकि उसका जो कॉन्टेंट था कुछ मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पर अच्छा लगा था, जिस वजह से यहाँ पर मैंने फॉलो उसको कर लिया था। और मैं अपनी रिसर्च में लग गया था कि हाउ टू ट्रैक समवन लोकेशन थ्रू द इंस्टाग्राम। तो उसके रिसर्चिंग के दौरान मुझे एक ही यूज़र मिला जिसको मैंने फॉलो किया था, मैंने 7 से 8 दिन पहले मैंने उसको यहाँ पर फॉलो किया हुआ था। तो फॉलो करने के बाद मैंने यहाँ पर 7 से 8 दिन के बाद देखा तो उसके यहाँ पर पहले यहाँ पर 7 से 8 हज़ार फॉलोअर थे, उसके बाद यहाँ पर 1.1 मिलियन यहाँ पर फॉलोअर हो चुके हैं विथ ब्लू टेक। तो पहले भी उसके यहाँ पर एक तरीके से 54 पोस्ट थी, उसके बाद भी मैंने यहाँ पर 1.1 मिलियन फॉलोअर के बाद भी मैंने देखा तो तब भी यहाँ पर 54 से यहाँ पर 55 हो चुकी थी, मतलब यहाँ पर एक पोस्ट यहाँ पर बढ़ गई थी। तो उसके बाद मैंने उसकी अकाउंट को मैंने एक तरीके से एनालाइज किया तो मुझे यहाँ पर पता चला कि उसके यहाँ पर जो एक तरीके से फॉलोअर्स आए हुए हैं वो एक तरीके से बॉट्स आए हुए हैं। फिर मैंने यहाँ पर उसके यहाँ पर टेक्निक्स यहाँ पर पता करने की कोशिश की, इसने यहाँ पर 7 दिन के अंदर यहाँ पर 1.1 मिलियन फॉलोअर विथ ब्लू टेक यहाँ पर कैसे गेन कर लिए। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर एक तरीके से टेक्निक पता चली, उसके बाद यहाँ पर मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ लोगों का यहाँ पर ग्रुप है जो कि यहाँ पर दुबई से यहाँ पर बिलोंग करता है। तो कुछ यहाँ पर दुबई की यहाँ पर जो टीम्स है वो यहाँ पर अपने फेक बॉट्स को यहाँ पर एक तरीके से सेंड करती है ह्यूज अमाउंट यहाँ पर लेने के बाद। तो इसलिए यहाँ पर देख रहा है तो ये वाला जो यूज़र हुआ वो यहाँ पर काफ़ी पैसा वाला होगा, इसने यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर पे किया हुआ, उसके बाद भी उन्होंने यहाँ पर 1.1 मिलियन यहाँ पर फॉलोअर मिले। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पर एक तरीके से मुझे इतने फॉलोअर्स नहीं चाहिए थे क्योंकि एक तरीके से बॉट्स फॉलोअर थे और मैं इतने रुपये यहाँ पर स्पेंड नहीं करना चाहता था। तो उसके लेकिन मुझे यहाँ पर इसकी पूरी टेक्निक्स के बारे में मुझे जानना था, ये पूरी टेक्निक्स होती है वर्क कैसे करती है। उसके बाद मैंने क्या देखा है कि उन्होंने यहाँ पर 1.1 मिलियन फॉलोअर तो उस यूजर को यहाँ पर सेंड कर दिए थे विथ ब्लू टिक के साथ, और साथ ही साथ उसके यहाँ पर एक तरह से फैन पेज भी यहाँ पर क्रिएट करना यहाँ पर उन्होंने शुरू कर दिया था। तो फैन पेज से क्या हुआ था कि यहाँ पर कोई भी यूजर यहाँ पर फैन पेज की यहाँ पर किसी भी पोस्ट को देख कर उसके यहाँ पर रियल अकाउंट को यहाँ पर एक तरह से सर्च करेगा तो उसके यहाँ पर जो फीड में यहाँ पर उसका जो रियल अकाउंट होगा वो एक तरह से सर्च रिजल्ट में यहाँ पर टॉप पर आना लगेगा, और साथ ही साथ लोग यहाँ पर उसको सर्च करते थे ब्लू टिक यहाँ पर देख के 1.1 मिलियन फॉलोअर देख के उसको यहाँ पर एक तरह से फॉलो कर लेते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग कुछ यहाँ पर जो यूज़र आ रहे हैं वो एक तरीके से यहाँ पर जेन्युइनली आ रहे हैं, और उन्होंने ऐसा ही कुछ किया था, उन्होंने यहाँ पर 5 से 6 पोस्ट यहाँ पर वायरल किया हुआ था दुबई की टीम ने उसके फैन पेज पोस्ट के द्वारा। तो उनका जो फैन पेज था उन्होंने यहाँ पर काफ़ी भी यहाँ पर फैन पेज क्रिएट किए हुए थे, मतलब कि 8 से 10 यहाँ पर फैन पेज यहाँ पर क्रिएट किए हुए थे। अब इसलिए आपको जैसे समझ रहे होंगे कि कोई यहाँ पर एक तरीके से अपकमिंग यहाँ पर स्टार किड होगा जो यहाँ पर फ्यूचर में कोई हीरो बनेगा, या ऐसा कहें कि कोई स्टार किड होगा, तो ऐसा भी आप समझ सकते हो। और बेसिकली मैं इसका यहाँ पर इंस्टाग्राम यहाँ पर शो यहाँ पर करने वाला नहीं हूँ एज यहाँ पर प्राइवेसी पर्पज। तो उसका यहाँ पर देख रहा है तो यहाँ पर उनका फैन पेज यहाँ पर क्रिएट हो गया था। तो ये सब यहाँ पर चल रहा है यहाँ पर इंस्टाग्राम के यहाँ पर डार्क साइट्स के बारे में, और भी मुझे यहाँ पर कुछ डार्क वेब से रिलेटेड कुछ चीज़ यहाँ पर मुझे मिली इंस्टाग्राम पर, और मुझे यहाँ पर मेटा के बारे में बहुत कुछ पता चला। तो इतने यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर डिस्कशन करना यहाँ पर मैंने शुरू किया कि यहाँ पर मेटा के यहाँ पर पर्पज क्या है, और मेटा की यहाँ पर पूरी डार्क साइड है, और मुझे यहाँ पर डार्क वेब से मुझे यहाँ पर क्या क्या मुझे देखने को मिला, और भी मुझे डार्क साइड के बारे में पता चली, इसका मैं यहाँ पर पूरा ट्यूटोरियल वीडियो करीब मैं यहाँ पर 15 से 20 मिनट का यहाँ पर जो पूरा वीडियो है मैं यहाँ पर इस चैनल पर मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो चाहिए यहाँ पर इस चैनल को वगैरह आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इसके यहाँ पर जो लिंक है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर मैं वीडियो हूँ मैं यहाँ पर एक तरीके से करीब मुझे 1 महीना या 1 सप्ताह भी लग सकता है ये भी जो पूरा वीडियो यहाँ पर मुझे क्रिएट करने में और मैं अपलोड करने में, क्योंकि मैं इसके यहाँ पर क्वालिटी में ज़्यादा अच्छी रखना चाहता हूँ। तो फिलहाल अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो बेसिकली यहाँ
पर बेसिकली यहाँ पर देख रहे हैं तो ट्विटर पे यहाँ पर इस डिवाइस की रिगार्डिंग काफ़ी लोगों ने यहाँ पर ट्वीट किया हुआ है, उनके मैं अक्तरी साहब सवाल यहाँ पर पिक करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है जो पूछा गया है यहाँ पर चिराग के जरिए, चिराग ने यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर जो वीवो इंडिया है वो काफ़ी यहाँ पर एक तरीके से वर्स्ट ब्रांड है, फेक कंपनी भी है। क्या किया उन्होंने? हाँ, तो उन्होंने एंड्रॉइड वाले का अपडेट है काफ़ी दिनों से यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं उनको बता दूँ जो वीवो का Y15 है उसके यहाँ पर एंड्रॉइड वाले यहाँ पर अपडेट था वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया था, लेकिन काफ़ी लोगों ने यहाँ पर फीडबैक भी दिए हुए थे कि जो एंड्रॉइड वाले का जो अपडेट है उसके अंदर काफ़ी बग्स हैं और उसमें यहाँ पर बैटरी ड्रेनिंग इशू के साथ साथ काफ़ी चीज़ें भी दिक्कतें आ रही थी। तो मैंने एक तरीके से पहले इसको मना किया था इसको यहाँ पर अपडेट भी मत कीजिएगा। तो फिलहाल उन्होंने बोल रहे हैं कि एंड्रॉइड वाले का यहाँ पर अपडेट नहीं आया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, अपडेट आया होगा, आप रिसेंटली उसको चेक वगैरह आप कर सकते हो। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट ट्वीट की यहाँ पर बात कर लेते हैं जो कि पूछा गया यहाँ पर सोलंकी के जरिए। सोलंकी ने कहा है कि एंड्रॉइड वाले हाँ काफ़ी खुश हैं, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर बताया उसका यहाँ पर एक अपोजिट यहाँ पर ट्वीट रहने वाला है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनका यहाँ पर एंड्रॉइड वाले का जो अपडेट है वो रिसेंटली उन्हें मिल गया है और वो अपडेट मतलब काफ़ी यहाँ पर खुश हैं इस अपडेट के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो नेक्स्ट ट्वीट है जो कि पूछा गया यहाँ पर निखिल राज के जरिए, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो पुराने यहाँ पर जो फोन हुआ करते थे वो फंटस वॉइस पर यहाँ पर अपने यूनिक यहाँ पर एक UI पर यहाँ पर बेच रहते थे, बट यहाँ पर जो अपकमिंग यहाँ पर जो न्यू फोन्स आ रहे हैं उसमें अंदर काफ़ी स्टॉक यहाँ पर एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर निखिल राज को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो पहले यहाँ पर फंटस वॉइस को यहाँ पर पूरे तरीके से यहाँ पर डिजाइन करने में क्रिएट करने में काफ़ी यहाँ पर समय लग जाता था, जिस वजह से यहाँ पर जो मॉडल्स जो पुराने हो जाते थे या यहाँ पर एक तरीके से कुछ समय हो जाता था उन्हें, तो यहाँ पर अपडेट बनाने में काफ़ी यहाँ पर समय भी लग जाता था और काफ़ी बक्स वगैरह भी रहते थे, जिस वजह से यहाँ पर अपडेट भी उन्हें यहाँ पर सही टाइम पर नहीं मिल पाते थे। बट यहाँ पर वीवो इंडिया ने क्या किया है यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ यहाँ पर मर्ज कर दिए अपनी UI को, तो स्टॉक कंट्रोल जैसा यहाँ पर लुक रहता है तो जिस वजह से उन्हें ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं करनी पड़ती है, जिस वजह से यहाँ पर अपडेट है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर प्रोवाइड किए जा सकते हैं, जिस वजह से यहाँ पर फंटस वॉइस वालों ने यहाँ पर एक अपना यहाँ पर डिसीजन लिया हुआ है। तो फिलहाल वो कह रहे हैं फंटस वॉइस को काफ़ी मिस कर रहे हैं। तो वैसे ही फंटस वॉइस पहले यहाँ पर आईफोन का कॉपी था, उनमें यहाँ पर ज़्यादा कस्टमाइजेशन थे, अब इतने कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलते हैं, अपना अपना यहाँ पर वो है कि यहाँ पर पहले यहाँ पर अगर आपको अपडेट वगैरह ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर स्टॉक कंट्रोल जैसा ही रहना चाहिए और बेसिकली यही सब है। और अब यहाँ पर नेक्स्ट ट्वीट की बात कर लेते हैं, तो बस इतने ही थे यहाँ पर कुछ ट्वीट्स, ज़्यादा कुछ ट्वीट्स आए नहीं हैं अभी वो 15 के रिगार्डिंग। तो फिलहाल मुझे पायल ने यहाँ पर इतने से टेलीग्राम पे मैसेज किया था इसलिए मैंने यहाँ पर आप वीडियो बना दिया है। तो फिलहाल मैं एंड्रॉइड 13 की बात करूँ इस डिवाइस में, तो एंड्रॉइड 13 का अपडेट मे भी यहाँ पर नहीं मिलेगा इस डिवाइस के अंदर, बट यहाँ पर मैं कस्टम रोम वगैरह के बारे में कुछ मैं तरीका भी बताऊंगा कि आप अपने डिवाइस में एंड्रॉइड 13 को किस तरीके से यहाँ पर अपडेट कर पाओगे। तो उसके लिए यहाँ पर चैनल को वगैरह का सब्सक्राइब कर भी सकते हो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं। तो मिलते हैं यहाँ पर अपने दूसरे चैनल पर जो कि आप यहाँ पर सब्सक्राइब करने वाले हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।